बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत अक्सर चर्चा का हिस्सा रहती हैं। राखी सावंत की शादी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहती है। बीते दिनों राखी सावंत टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में नजर आई थी। इस दौरान उनके फैंस को भी उम्मीद थी कि राखी के पति रितेश अपनी पत्नी का सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन लोगों को वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। वहीं अब हाल ही में राखी सावंत ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात की है। दरअसल हाल ही में राखी सावंत ने आरजे सिद्धार्थ करण के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्यार में मिले धोखे को लेकर खुलकर बात की। राखी ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि रितेश पहले से शादीशुदा हैं। मैं बहुत परेशान थी, एक तरफ मेरी माँ की तबीयत और दूसरी तरफ रितेश की शादी की खबर। मैं मनुष्यों पर डिपेंड थी कि मुझे मनुष्यों से प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे मनुष्यों से प्यार नहीं मिला, दिल टूटा हमेशा। आगे राखी कहती हैं, तो मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर से प्यार करना सिखाया, अब मैं ईश्वर से प्रेम करती हूँ। अनकंडीशनल लव है उनका मेरे लिए। दुनिया धोखा दे देगी, मनुष्य धोखा दे देंगे, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देगा। इसलिए मैंने अपना दिल और अपना मन प्रभु में लगाया और मैंने प्रभु को अपना दिल दिया। वहीं बिग बॉस के घर में राखी ने माँ बनने की इच्छा भी जताई थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने एक्स फ्रीज करवा कर रखे हैं। इस बारे में बात करते हुए राखी ने बताया, कहते हैं ना इंसान को एक एज के बाद अपने एग्ज फ्रीज करा लेना चाहिए, तो मैंने समय से पहले ही करा लिए। डॉक्टर ने मेरे 9 एग निकाले थे जिनमें से 5 हेल्दी थे, तो मैंने अपने 5 एग फ्रीज करा रखे हैं।